राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी तब आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस इसमें ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। और अगर आपके इश्यूज जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। अगर मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको चार्ज बता दिए जाएंगे और आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। आपके इश्यूज़ हील हो जाएंगे। और अगर आप अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं या आपको खास तरीके के ड्रीम आते हैं जो आपको लगता है कि ये कोई मैसेज है बट आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो हॉरोस्कोप एनालिसिस एंड ड्रीम डिकोडिंग भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके करा सकते हैं। ये तीनों ही फैसिलिटीज चार्जेबल हैं, आपको अगर नीड हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ और यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो और आपके लिए यहाँ मैसेज हो। तो आपके पर्सन के लिए कार्ड लिया है मैंने, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट पेज ऑफ वैंड्स एंड डेविल एंड नेक्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इसका है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट द सन। चलिए अब मैं कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, डेविल एंड एस ऑफ कप्स। देखिए एम्प्रेस यानी उनकी नज़रों में आप एक एम्प्रेस की तरह हो। आपने उन्हें जिस तरीके का प्यार दिया है, जो एक मतलब बहुत ज़्यादा उनकी केयर जो आपने की है, उन सारी बातों का उन्हें एहसास है। उन्हें ये एहसास है कि आपने उन्हें एक मतलब क्वीन की तरह, किंग की तरह बना के रखा था। आपने उन्हें इतना प्यार दिया और प्यार के साथ में रेस्पेक्ट भी बहुत दिया। आपने उनको बहुत फॉलो किया, उन्होंने जैसा कहा आपने वैसा किया। उनकी हर एक छोटी छोटी बात का भी मान रखा कि उन्हें कि क्या कि कहीं आपकी किसी बात से उन्हें हर्ट ना हो जाए, बहुत ध्यान रखा। आपने छोटी छोटी बात पे उन्हें खुश करने की कोशिश की, हर छोटी कि किसी भी तरीके से कि उन्हें जो चीज़ पसंद है, कुछ खाने में हुआ गया उनको ये पसंद है तो वही देना है, जो चीज़ें उनको पसंद थी हर छोटी बड़ी खुशी का आपने ध्यान रखा। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें बनी, यानी ये चीज़ें क्या आपके रिश्ते को नज़र लगी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते को नज़र लगी है। और हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में अगर सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा, पता नहीं कि यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये उन लोगों की लिए मुझे एनर्जी लग रही है जिनका रिश्ता अभी ठीक चल रहा है। अभी अगर आपका फील करते हो कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप अवेकन हो चुके हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी सेपरेशन आ जाए। ये रीडिंग बिल्कुल अलग तरीके की मुझे फील हो रही है कि आपके पर्सन आपको सब कुछ अच्छे से समझते हैं लेकिन आपके रिश्ते को नज़र लगती मुझे फील हो रही है। ये इस बात का आप ध्यान रखें। ये डेविल जो आया है, डेविल यहाँ इस जगह पे आया है, यानी फ्यूचर कनेक्शन, फ्यूचर एनर्जी में आया है। तो नियर फ्यूचर या कुछ ही टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी इतनी प्यारी बातों को, इतनी सारी अच्छाइयों को भूलने लगे। ये डेविल आपकी खामियों को उनके सामने, आपकी खामी भले ही ना हो, आपने इतना अनकंडीशनल लव दिया, खामियां नहीं होंगी, लेकिन हर बात को आपकी खूबी को खामी बना के आपके पर्सन के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, कर रहा होगा, या तो आपके साथ अभी ऐसा हो रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि आपके पर्सन पहले सब आपको इतना अच्छा समझते थे, सब कुछ इतना प्यार, आप सोच रहे हो कि इतना प्यार मिलने के बाद में आपका पर्सन आपको, आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, उसके बाद में इतना डिस्टर्बेंस कैसे क्यों हुआ। अगर हो चुका है, आप लोग सेपरेशन में आ चुके हो, तो ये आपके रिश्ते को नज़र लगी है या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक, कोई रिचुअल्स किए हैं आपके रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, किसी की करामात का फल है। और अगर आप अभी सब कुछ ठीक ठाक चला, अभी आप लोग इन एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ वैंड्स या पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में अगर अभी आपका रिश्ता है, तो फिर नज़र लगने वाली है, फिर कोई ब्लैक मैजिक होने वाला है आपके रिश्ते पे। तो इसके लिए आप ध्यान रखें। मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में
बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ डाल देती हूँ, हमेशा मैं डाल देती हूँ क्योंकि पता नहीं कब नीड आ जाती है। और माँ दुर्गा के कवच का बीज मंत्र भी डाला हुआ है। आप कंटिन्यू वो प्रे करें कि आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है, तब भी आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ और माँ दुर्गा का कवच करते रहिए। अगर रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो टैरो रीडिंग लोग नहीं दिखते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे कि रिश्ते के लिए टैरो रीडिंग देखना अलग बात है, लेकिन रिश्ते के लिए देखना एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी अगर नहीं हो रही है तो भी आपकी शादी ना हो इसके लिए कोई ब्लैक मैजिक, कोई रिचुअल्स किए गए हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन में अगर आप नहीं भी हैं, नॉर्मल आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी की एज में हैं, तो फिर आपकी शादी ना हो इसलिए इस तरीके की एनर्जीज आप पे अप्लाई की गई हैं। तो इनसे इन सारे सारी एनर्जी से आप निकल जाएगी अगर आप बजरंग बाण करते रहेंगे तो। ये बात इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको बोलना ये है, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए। हनुमान जी से रिश्ता जुड़िए कोई, चाहे भाई मानिए, चाहे उनको अपना गुरु मानिए, और उनसे प्रे कीजिए कि हमारे रिश्ते में, मतलब अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो ये प्रे कीजिए कि जो भी एनर्जी, जो जो भी मेरे पे रिचुअल्स हुआ, जो जिस एनर्जी जो एनर्जी शादी नहीं होने दे रही है, उस एनर्जी को मिटा दीजिए और मेरी शादी करा दीजिए। और अगर आप इसी पास्ट किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो आप तब भी आप तब आप इस इंटेंशन से कीजिए कि मेरा रिश्ता फिर से संभाल दीजिए, रीयूनियन के लिए करिए। और एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं आप। एकादशी का व्रत इस इंटेंशन से कीजिए कि इस व्रत के फल में मेरा रिश्ता, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मेरी शादी हो जाए, इस इंटेंशन से कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए और एक ट्रू मतलब लाइफ पार्टनर मिल जाए हमें। इस इंटेंशन से आप 5 एकादशी का व्रत कर लीजिए, 5, 7, 9, 11 जितना आप करना चाहें उतना कर लीजिए। और अगर आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, आप फील कर पाते हैं कि आपके पर्सन से आपका ऐसा कोई कनेक्शन है, तो ये डेवल आप तो फिर यूनियन आने में ये बहुत दिक्कत दे रहा है ये। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप एक कदम ही दूर हो अपने अपनी रिलेशनशिप में, चाहे मैरिज करना चाहें, चाहे आप यूनियन में आना चाहें, अगर कोई अगर डेस्टाइन आपका कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप सिर्फ एक कदम दूर हो। ये डेविल हटा कि आगे फिर एस ऑफ कप्स है, सिर्फ एक कदम दूर हो, ये कुंडली मार के बैठा है, इसको आप हटाइए। और इसको अगर आप शत्रु मारक मंत्र आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, शत्रु मारक मंत्र अगर आपको मिलते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि शत्रु मारक मंत्र इस इंटेंशन से नहीं करना है, किसी का नुकसान हो इस इंटेंशन से आपको नहीं करना है। अगर आप इलीगल सताए गए हो तो आपको करना है, इसके हटते ही आपका यूनियन है। ये लास्ट ब्लॉकेज मुझे फील हो रहा है, लास्ट ब्लॉकेज है आपके कनेक्शन का ये, इसके हटते ही आपका यूनियन हो जाएगा। तो आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कीजिए और साथ में शत्रु मारक मंत्र, ध्यान रखिएगा। अगर आप नफरत से करेंगे, किसी के लिए नफरत से करेंगे, तो वो आप पे उल्टा पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। आपके दिल में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप डेस्टाइन कनेक्शन में, अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, तब आप शत्रु मारक मंत्र कर सकते हैं। वो भी आपके दिल में ये बात नहीं होना, किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन आपका ये होना चाहिए कि शत्रु जो भी है, जो आपको परेशान कर रहा है, आपका यूनियन नहीं होने दे रहा है, उसकी सदगति हो, उसकी आत्मा की सदगति हो, वो डेविल एनर्जी से छूट जाए और अपनी यात्रा पे आगे जाए, जहाँ जाए खुश रहे, कुछ भी आप सोच सकते हैं कि, लेकिन वो मेरे पर्सन की ज़िंदगी से चला जाए। इस एनर्जी से आप बजरंग बाण की 3 चौपाई तो करनी ही है आपको, और शत्रु मारक मंत्र की मैं बात कर रही हूँ, वो आपको तभी करना है जब आपको चिढ़ना नहीं है किसी से, चिढ़ के नफरत करके नहीं करना है। इंटेंशन में ये रखना है कि वो एक सोल है, वो निगेटिव एनर्जी ने उसको कैद कर रखा है, और वो निगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में उस पर्सन को ला रखा है। तो इसलिए शत्रु मारक मंत्र कीजिए कि वो सोल उस निगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जाए और मेरे पर्सन की ज़िंदगी से चली जाए। इस इंटेंशन से करना है, नफरत से आप नहीं करना। आपने नफरत से किया तो मैं बता रही हूँ आपको उल्टा पड़ जाएगा। इसके जाते ही आपका, मुझे यूनियन फील हो रहा है, आपके पर्सन अवेकन हो जाएंगे। इसके जाते ही आपके पर्सन अवेकन हो जाएंगे, उन्हें समझ आ जाएगा कि आप ईश्वर का दिया हुआ तोहफा थे उनकी ज़िंदगी में, ये बात उन्हें एहसास हो जाएगी। लेकिन इसके जाते ही अवेकनिंग का लास्ट स्टेज मुझे फील हो रहा है, आपके पर्सन की अवेकनिंग का, आपके आपसे आपके पर्सन के यूनियन का मुझे लास्ट स्टेज फील हो रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैं आप बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो इस एनर्जी में है अभी, वो उनको नाइट ऑफ सोर्ड यानी इमोशन, ऐसा लग रहा है उनको
कि लव कुछ नहीं होता। अब वो अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन डेविल एनर्जी आ चुकी है इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो लेंगे एक्शन। आपकी पूजा पाठ के फल से, आपकी प्रे से वो एक्शन लेंगे अपने लिए। वो उन लोगों को साइड करेंगे जो लोग उनके एनर्जी शक कर रहे थे, और वो आपको आके जेस्चर देंगे, आपके अपने रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि वो आएंगे तो ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन को ही रोक रहा है वो डेविल। वो निगेटिव एनर्जी जो भी उन पे ब्लैक मैजिक जो कुछ भी उन पे किया गया है, वो उनके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए किया गया है। और डेविल एनर्जी ने करवाती ही है इसीलिए कि पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनका है वो सब अभी करना हो पाए, जो डिवोशन के पाथ में आए हैं, डिवोशन को इंक्रीज़ करने आए हैं धरती पे, स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करने आए हैं, वो अभी करना हो सकें। इसी वजह से उन पर ये रिचुअल्स ये सब कराए गए हैं। लेकिन आपकी पूजा पाठ से उससे वो एनर्जी ख़त्म होगी और आपके पर्सन अवेकन होंगे। प्रोसेस देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो आपके पर्सन की अवेकनिंग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन साथ होते हैं। कदम यानी कहते तू डाल डाल मैं पात पात, यानी निगेटिव एनर्जी कितना भी काम कर ले वो डाल डाल चलेगी, तो भगवान पात पात चलते हैं। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं। तो ऐसे आपके पर्सन अवेकन होंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी। लेकिन ये लास्ट बैरियर है, इसको आपको खत्म करना होगा अपने जप तप तपस्या से। अपनी तपस्या से इस लास्ट बैरियर को खत्म कीजिए। ये लास्ट बैरियर है आपके यूनियन का। तो मुझे भरोसा है आप पे और ईश्वर पे तो भरोसा है ही। ईश्वर ने आपको ये रीडिंग दी है इसीलिए दी है कि ये जो लास्ट बैरियर है आप इसको पहचानें और इसको खत्म कर लें। तो ज़रूर आप इस बैरियर को ख़त्म कर पाएंगे, आपके पर्सन आपकी ओर आएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये डेविल एनर्जी को खत्म करना है, तो आप जरूर कामयाब होंगे। अब मैं मूनोलॉजी से थोड़े मैसेज देख लेती हूँ क्या है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। डिवाइन आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि आप सेफ हैं, और आपके पर्सन की भी ये एनर्जी है वो फील कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास है कि आपने उनके लिए पूजा पाठ बहुत किए हैं, आप करते रहते होगे, आपने बताया होगा। तो उन्हें एहसास है कि उनकी सोल को ये एहसास है कि आप आज भी उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। यहाँ पे कैंसर फील हो रहा है, कैंसर लिखा हुआ है, यानी आप ये मैसेज कैंसरियन के लिए भी होगा। तो आपके पर्सन को विश्वास है कि आप उनके लिए पूजा पाठ अभी भी कर रहे हो, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वो उन्हें ये फील हो रहा है कि कोशिश कर रहे हैं वो कि आपके साथ उन्होंने जो सपने देखे थे, अब वो सपने प्रैक्टिकल प्लान पे दिखने चाहिए। सपने देखने से कुछ नहीं होता, वो प्रैक्टिकल प्लान पे आएंगे तब तो आप उन पर विश्वास कर पाओगे, तब तो दोबारा से वो विश्वास जीत पाएंगे। यहाँ टॉरस है एनर्जी, टॉरस के लिए भी है और अदर जोड़िया के लिए भी है ये एनर्जी। तो उन्हें इस बात का एहसास है कि जो सपने उन्होंने आपको दिखाए थे वो सपने अब उन्हें प्रैक्टिकल प्लान पे लाने होंगे, ये वो फील कर पा रहे हैं। और वो फील कर रहे हैं एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए चेंज आ रहा है, वो उस डेक से यही आया है कि उनकी उनके ट्रांसफॉर्मेशन को रोका जा रहा है, इसीलिए वहाँ डेविल बैठा था, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहा था। और उनकी इच्छा है, वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेविल बैठा है इसलिए कम्प्लीटली बदल नहीं पाए अभी। लेकिन वो जाएगा आपकी पूजा पाठ से, वो जाएगा, डेविल खत्म हो जाएगा और उनमें पावरफुल चेंज आ जाएंगे। पावरफुल चेंज कमी नहीं गए, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इसका बॉटम ऑफ द डेक है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखिए डिवाइन कहते भी जा रहे हैं, डिवाइन ने अभी अभी ही आपको ये मैसेज भी दे दिया कि तुम्हारी पूजा यहाँ से अभी मुझसे कहलाएगा कि आप जो पूजा पाठ करोगे उससे वो डेविल खत्म हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। और डिवाइन ने कह भी दिया बॉटम ऑफ द डेक से कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप जो हार्ड वर्क करोगे, जो तपस्या करोगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपके पर्सन जरूर अवेकन होंगे, आपकी ओर जरूर जरूर आएंगे। साफ साफ डिवाइन ने कह दिया, पहले ही जुबान से मुझे कहलाया और फिर डेक से भी उसको कन्फर्म कर दिया। नेक्स्ट डेक से मैं देखती हूँ योर कॉल विल बी आंसर्ड। डिवाइन ने फिर देखिए फिर क्लैरिफाई किया कि तुम जो प्रे करोगे वो तुम्हें उसका तुम्हें आंसर मिलेगा। ये वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं तो उनको भी आंसर मिल रहा है, और आप ईश्वर से जो मांग रहे हो, जो बोल रहे हो, आपको भी गाइड किया जा रहा है। और आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि मैं तुमसे आके बात करूंगा, मैं बहुत जल्दी आके तुमसे बात करूँगी। और कॉल विल भी आंसर कि आप उनसे कुछ जानना चाहते थे, अगर उन्होंने सब कुछ हाइड कर रखा था तो वो अब आके आपको सब कुछ बताएंगे। ओवरऑल कम्युनिकेशन आपका उनका आपस में और डिवाइन से बहुत स्ट्रांग हो रहा है। न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि एस ऑफ कप्स आ चुका है, तो न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके रिश्ते में नई शुरुआत जरूर होगी। ये लास्ट बैरियर है, बस इसको आपको तोड़ देना है, बस एक किक मारी है। DF और पास्ट लाइफ कनेक्शन जो होता है, जो डिवोटीज होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, ये डायरेक्ट यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक किक मारेंगे और डेविल डेविल तो धराशायी होना ही होना है। तो न्यू बिगनिंग हो रही है आपके रिश्ते में, आपका रिश्ता फिर से खूबसूरत मोड पे जा रहा है। सरेंडर
उन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है और उन्हें ये पता है कि ईश्वर ही अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं। क्योंकि ये अच्छी बात है कि नेगेटिव एनर्जी को होते हुए भी उन्होंने डिवाइन से रिश्ता जोड़ रखा है, ईश्वर को सरेंडर कर रखा है, ईश्वर ने सरेंडर किया है। इसीलिए ईश्वर आपको ये रीडिंग दे रहे हैं कि आप अपने पर्सन के लिए पूजा पाठ करो, क्योंकि वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आसपास है तो वो पूजा पाठ कर नहीं पाएंगे। तो डिवाइन ने आपको उनके सरेंडर की वजह से डिवाइन ने आपको ये रीडिंग दी है कि आप अपने पर्सन के लिए पूजा पाठ कीजिए और उनको उस नेगेटिव एनर्जी से निकालिए। बॉटम ऑफ द डेक इसका है बी हम्बल, आप के लिए बहुत काइंड हो रहे हैं। अगर आपसे उन्होंने झगड़े किए थे, बहुत कुछ कहा था, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, अरे मैंने ऐसा क्यों कह दिया था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मेरा पर्सन उस जगह पे सही था, मैंने ही उसे गलत समझा था। कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं। तो यहाँ से जो गाइडेंस आपको मिला है कि इस डेविल को ख़त्म कीजिए, ये लास्ट बैरियर ख़त्म कीजिए अपने पूजा पाठ से, अपने तपस्या से, आप कर लेंगे, डिवाइन आपके साथ हैं, ईश्वर हर कदम पर आपके साथ हैं, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। तो फिर ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ज़रूर खत्म होगी, आपके पर्सन ज़रूर 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 अवेकन होंगे और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये सब कप्स आ चुका है तो वो आपकी तरफ आएंगे। बस इस लास्ट बैरियर को एक एक मार के तोड़ दीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।